नारायण भगवान की। सुख धन वैभव वाला तुमको मार्ग बताता हूँ, भक्तों मार्ग बताता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। कष्टों का सागर तरने का सार बताता हूँ, भक्तों सार बताता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। कालांतर में एक समय नैमी शरण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार प्राप्त होगी तथा कलयुग में मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसमें थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो जाए तथा मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। कोई ऐसी पावन कथा हो तो हमें सुनाइए, उस कथा को सुनने के लिए हम सब लालायित हैं। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है, अतः मैं उस श्रेष्ठ कथा एवं व्रत को आप सबको बताता हूँ, जिस कथा को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से सुनी थी और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो उस मोक्षदायिनी पापनाशिनी कथा को ध्यान से सुनिए। कथा हुई प्रारंभ, मुनि सुन रहे लगा कर ध्यान, श्री सूत जी कहते हैं ये कथा बड़ी है महान, कालांतर की सत्य कथा मैं आज सुनाता हूँ, श्री सत्य नारायण कथा का तुमको सार बताता हूँ। पुलका मुख के नाम का राजा बड़ा था वो विद्वान, सत्य मार्ग पे चलने वाला हृदय से दयावान, पत्नी उसकी सती Oh,
साथ से गुलाम अब गुलफाम
सजा दो घर को गुलशन सा अवधे मेरा।